पब्लिक को लिया पब्लिक कितना लेते रहेगा चलो ले लिया तो We are here at Nahalagarh railway station and today this Gaurav Bharat train reached here in Arunachal Pradesh after 3 days tour and passengers who came from Gujarat and UP also from different parts of country they are excited regarding this train. They said that it's like a 5-star hotel and we will interact with the passengers here. My experience is very good. The tour is well organized. The cleaning, knitting and food. बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड. क्यों नहीं आया हम अभी तक? हमारा जीवन धन हो गया यहाँ आकर के. हम लोग लखनऊ से आए. कैसा लगा इस ट्रेन का सफर? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास, मार्वेलस. वी एंजॉय. अरुणाचल पहुंचा अब मोदी आए तो हम लोग आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे. मोदी रहेंगे तो बाकी ने तो हम लोग को बताया कि वहाँ पे आदमी को काट के खा जाते हैं. I am Usha Jain from Jaipur. Ticket how much? कितने की टिकट लिया? ये all inclusive. कितने की? 1,65,000. कितने दिनों से चल रहे हैं आप? हम लोग 22 तारीख से चल रहा है. 21 21 से. 21 मार्च. हमारा 15 दिन का टूर है. 15 दिन का टूर. या आप कहाँ से हैं? लखनऊ से. नागालैंड जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे, अरुणाचल जाएंगे, आसाम होके आए और मेघालय जाएंगे. बहुत बढ़िया. गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है नॉर्थ ईस्ट घूमने का एक बहुत ही कन्वीनियंट वे में. हम आए यूपी शाहजहांपुर. टिकट की प्राइस है इसकी 1 लाख से ऊपर ही है या पर पैसेंजर, बट बहुत फैसिलिटीज अच्छी है, वर्थ है. ये 15 डेज का टूर है. सर बहुत अच्छा लगा. शाहजहांपुर से. पहली बार आए नॉर्थ ईस्ट? जी पहली बार. जी तो इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा. ट्रेन में बहुत अच्छा सब कुछ था. कहाँ कहाँ घूमेंगे अरुणाचल में? कितने दिन रुकेगी अरुणाचल में? नहीं, वो हमारी आज रात की ट्रेन की वापसी है. अच्छा था ट्रेन का सफर? जी बहुत अच्छा रहा. जी हाँ, हम लोग घूमने आए हैं तो थोड़ा जी बहुत अच्छी है. स्लोगन इन अवर पार्टी, मोदी जी स्लोगन, अपना देश देखो. सो दे आर इन ए मिशन, अपना देश देखो में है. हम तहे दिल से सबको स्वागत करता है और हम ये चाहता है कि ऊपर वाले से भी ये दुआ करेंगे कि वापसी घर तक सबको कुशल मंगल हो. सो ऐसे कामना हम सबको करते हैं. आज बहुत शुभ दिन है हमारा प्रदेश और देश के लिए, ऐसा हम कामना करेंगे. G20 भी हमारा सफलता पर्व खत्म हो और फिर से मैं मैडम लोग को, सर लोग को तहे दिल से इस अपना जन्मभूमि में, अपना देश में स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच. हम इस वक्त हैं ईटानगर में, अरुणाचल की राजधानी, और ये नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे भारत गौरव डीलक्स ट्रेन जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है. 15 डेज 15 दिन का टूर होता है इस ट्रेन का और ये एक डिलक्स ट्रेन है. पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग शहरों में जाएगी और जितने टूरिस्ट आए थे वो सब
राजस्थान से हैं, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, सब यहाँ आए हैं अपने तीसरे दिन में। 22 तारीख को ये ट्रेन चली और आज ईटानगर अरुणाचल की राजधानी पहुँची है और आगे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के जो शहर हैं वहाँ पे भी जाएगी और ये सब टूरिस्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। आज G20 के डेलीगेट्स भी आने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग है और आप देख सकते हैं इस डीलक्स ट्रेन के अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर और ये रेस्टोरेंट है और अलग अलग लाइब्रेरी भी है इस ट्रेन में और बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं इस ट्रेन के। विभ्राज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम नाहरलगुन स्टेशन। और से मैं ईटानगर का विधायक होने का नाते बहुत बहुत भारत सरकार को और अरुणाचल सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत गौरव जो ट्रेन है जो इसी में जो है हमारा जो टूरिज्म लोग आया है, टूरिस्ट लोग आया है दिल्ली से चल के आया है और यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट में उन लोग कम से कम 15 डेज रहेगा, आज दिन भर हमारा अरुणाचल में रहेगा। और मैं चाहता हूँ इसी तरह की कहीं से भी इंडिया से नॉर्थ शोर से कहीं से भी अगर आ जाए अरुणाचल में और अरुणाचल का बारे में देखे जाने और अरुणाचल में किस किस जगह में हमारा जो अभी ट्रेन जाने का सुविधा नहीं है, जो जो जगह में जो ट्रेन जाने का सुविधा है उन लोग उसका आनंद लेगा। स्पेशल फीचर्स क्या है? स्पेशल फीचर्स तो यहाँ स्लीपिंग अरेंजमेंट अच्छी है, इट इज़ कंफर्टेबल, MLA साहब ने भी देखा है, एंड दे हैव इनबिल्ट लाइब्रेरी इन ईच कोच, दे हैव टू रेस्टोरेंट एंड वन पैंट्री कार, कुक इज फूड हियर ओनली, एंड दिस इज अ लग्जरी ट्रेन, लग्जरी डीलक्स। हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर हाउ मेनी डेज? दिस इज अ 15 डेज टूर फ्रॉम दिल्ली एंड गोइंग बैक अप टू दिल्ली, दे विल रिमेन हियर फॉर आई थिंक अनदर 8-9 डेज, because 2-3 days is the travel time. So daytime they are exploring the North East. The train name is North East Discovery Train, Bharat Gaurav. It is specially made to know the heritage of the rich heritage of the country. And this is the 30th tour. We have started this in April of 2022. First train started as a Shirdi Temple Yatra. Similarly, with a special theme, we run this train. This is the 30th tour train. I am ADRM, ADRM Rangia Division. This is our divisional place. And Nahrlagun is a very important place. I hope all the travelers should explore the Arunachal and they visit again and again to increase our the hospitality industries and the tourism industry as well as the employment. And I hope there will be cultural interaction of the domestic people who are coming from the different state to the Arunachal. देखिए ये मोदी जी का सोच है, मोदी जी के सोच के साथ पेमा कांडू जी का डबल इंजन है अरुणाचल प्रदेश। हमको जनता को बताना है इसका मकसद क्या है, ऐसा एरा गेरा बोल के बात नहीं है, सच्चाई को बताना। इसका सबसे पहला फायदा ए ड्रीम कम्स थ्रू बोलना है, हमारा देश में भी इस लग्जरी इस फैसिलिटी का ट्रेन चल रहा है, एक फ़ायदा ये है। दूसरा फायदा 92 डेलीगेट्स अभी 100 का लगभग यहाँ आया, इसका फ़ायदा उठाते हुए टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए फ़ायदा हमारा स्थानीय आदमी को होगा। ये दो तीन चीज़ को समझना है, बाकी फ़ायदा नहीं है बात करके। तो अभी वो लोग अपना 30% सब्सिडी में आया, इतना फैसिलिटी वाला ट्रेन डाला, उसके बाद वो लोग एक नज़र यहाँ घुमा के गया। बहुत लोग तो पहले बार आया है अरुणाचल प्रदेश में, 90%। अभी अगला बार आएगा, अपना सगे संबंधी को बताएगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म का क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हम लोगों को समझना है अरुणाचल जनता को, हम कैसा बर्ताव करें, हमारा स्वभाव कैसे हो, हम कैसे वो लोग को अपना अतिथि देवो भावा करें। मैं यही चीज़ जनता से अपील करना चाहेगा कि देश और प्रदेश पेमा खांडू जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम इसको फ़ायदा होता नहीं। दूसरा, आज का दिन में पैरेलल हमारा G20 समिट में, मैं इसलिए अभी भाग रहा हूँ, वहाँ का तैयारी मुझे देखना है। अभी 4:30 से 4:30 हमारा यहाँ का प्रोग्राम शुरू है, यहाँ 19 देश और यूरोपियन यूनियन जो मैं बारी बारी से बता रहा हूँ यहाँ बैठक करेंगे, वो भी इकोनॉमिक रिलेटेड है। सारा हम लोग, आप लोग, सारा दुनिया, सारा देश, सारा इंसान जाति इकोनॉमी के लिए रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है उसको अच्छा से परखना है, अच्छा से समझना है, तब आगे बढ़ना है। इकोनॉमिकली साउंड मतलब वी आर डेवलप्ड।
डेवलप मतलब हम लोग बाकी देश से बराबर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, अपना देश देखो, अपना प्रदेश देखो। आप सबका माध्यम से जो आज अतिथि इधर में जो आया, गेस्ट आया, हम लोग ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सारा जनता का, प्रदेश का ओर से हम लोग तहे दिल से सबको, हम यहाँ हम सबको यहाँ स्वागत करता है। और हम ऊपर वाले से ये कामना करता है कि वापसी अपने घर तक, अपना चौखट तक कुशल मंगल, सब स्वास्थ्य और सुरक्षित वापस पहुँचे। इन चंद शब्दों के साथ सारा अरुणाचल जनता को ये बताना चाह रहा है कि सारा अरुणाचल ईटानगर पहला वाला नहीं है, अभी आगे बढ़ रहा है। आप सब कंधे से कंधा मिला के चलिए।